टांके क्षेत्र में एक कार से 5,50,000 रुपए बरामद हुए हैं। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार वाहनों की चेकिंग की जा रही है और इसी दौरान रामगढ़ के रहने वाले व्यवसायी सुनील कुमार की कार से ये रुपए बरामद हुए। रामगढ़ से रांची आने के दौरान बोरियो के पास से स्टैटिक सर्विलांस टीम SST ने कार की चेकिंग की, जिससे ये पैसे बरामद किए गए। पुलिस व्यवसायी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। तो विधानसभा चुनाव में पुलिस प्रशासन काफी सतर्क है और उसी सतर्कता की वानगी है कि रांची कांके थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान 5,50,000 रुपए बरामद किए गए। ये रुपए रामगढ़ के व्यापारी सुनील कुमार के हैं। फ्लाइंग स्क्वाड टीम ने ये रुपए बरामद किए। पूछताछ में जानकारी मिली कि सुनील कुमार 15 से सामान की खरीदारी के लिए जा रहे थे और व्यापारी ने अभी इससे संबंधित कागजात नहीं प्रस्तुत किए हैं। इस मौके का जायजा लिया संवाददाता इमरान ने। चुनाव के मद्देनजर जिले भर में जो सीमाएं हैं उनको सील कर दी गई है। लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इस पे रांची के कांके थाना क्षेत्र के बोड़िया से 5,50,000 रुपए की बरामदगी हुई है। गिनती की गई है, गिनती के बाद ये जो सीजर है वो बनाया गया है। हालांकि अभी पूछताछ की जा रही है कि ये पैसे जो थे वो किस उपयोग के लिए थे और कहाँ से ये सारी चीजें आए हैं। अगर पैसे की जानकारी स्पष्ट तौर से और कागजी तौर पर अगर दिखा देते हैं तो इनको ये पैसे वापस कर दिए जाएंगे। लेकिन जिस तरह से निर्देश जारी किया गया था कि 50,000 रुपए से अधिक की अगर रकम लेकर के निकलते हैं तो कहीं ना कहीं उस पर कार्रवाई की जाएगी। सुनील जी हैं जिनके कार से पैसे बरामद किए गए, कहां से ये आप पैसे लेकर के आ रहे थे और क्या कुछ क्या इस्तेमाल में किया जाना था पैसे का? ये हमारे रांची रोड रामगढ़ से लेकर आ रहे थे। हम दुकानदार आदमी हैं और हमारी राशन की दुकान है। 15 से माल लेते हैं, 15 से माल खरीदने जा रहे थे। रामगढ़ से 15 जा रहे थे माल खरीदने के लिए। इसके मैं पैसे अपने कागज प्रस्तुत किए हैं यहाँ पे कि पैसे कहाँ से ट्रांजेक्शन किए थे, क्या कुछ रहा? नहीं, हम तो कागज में नहीं लेकर आए थे क्योंकि हमारे पास खुदरा बिक्री है ना सर, तो हम लोग तो कागज तो बना नहीं पाते हैं सेल वाइज का। अब हम को जैसे बोलेंगे तो दुकान के फार्म से जो चेक काटते हैं लोग को जहाँ सामान लेते हैं वो चेक बुक हमारे पास है और बैंक का स्टेटमेंट भी देंगे। किस गाड़ी से आप आ रहे थे, कहाँ से कहाँ जाना था आपको? हम आपका ये शुभ डिजायर से आ रहे थे, रामगढ़ से, और 15 जा रहे थे। दाल, दलहन, चावल, बादाम, हल्दी वगैरह यही सब खरीदते हैं। मतलब व्यवसाय हैं जो कि सामान के अक्सर आया करते हैं? जी सर, अक्सर आते हैं। व्यवसाय है, सुनील जी अपने आप को व्यवसाय बता रहे हैं। चूंकि चुनावी माहौल में लगातार जो टीम है वो सतर्क है और हर एक चेक पॉइंट्स बनाए गए थे। इसी चेक पॉइंट्स के आधार पर ये जो पैसे लेकर के बुढ़िया चौक के पास पहुंचे तो ये वहां से तकरीबन 5,50,000 रुपए की बरामदगी हुई है लगभग। और इसके बाद यहां पर जब सीजर लिस्ट किया गया, पूछताछ किया जा रहा है, अब देखना होगा कि इस पूरे पैसे पर पुलिस किस तरह की जांच करती है। लेकिन लगातार निर्वाचन आयोग ने भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं, अगर 50,000 रुपए से अधिक की रकम अगर आप अपने साथ लेकर चल रहे हैं तो उसकी कागजी पूरी पुख्ता रखें ताकि किसी तरह की परेशानी ना हो। कैमरा पवन के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज 11 रांची।